एक तरफ सागर में माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, रीजनल कॉन्क्लेव चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने एक प्रदर्शन चल रहा है। लोग यहां पे जमा हैं और पूरा रास्ता जाम है। उनसे पूछते हैं क्या वजह है, क्या नाम लिखते हैं, क्या वजह है आज रोड जाम किया सर? हमारा नाम अमित पटेल है। हम अपनी पत्नी को लेकर आए थे यहां पे 9 तारीख को, उसके यहां पे डिलीवरी होनी थी ऑपरेशन द्वारा। 10 तारीख को हमारे यहां पे बच्ची हुई, बहुत अच्छी स्वस्थ बच्ची हुई। वहाँ पे उनने 5 दिन हम लोग को भर्ती रखा, छुट्टी कर रहे थे वो, मगर हमारी घरवाली के पेट में हो रहा था दर्द। हमने उनसे खाली इतना बोला कि इसको दर्द क्यों हो रहा, तो बोला है सबको है, ऑपरेशन से हुई है तो होता है दर्द भैया, चलाना पड़ता है, घर ले जाओ ठीक हो जाएगी। हमने उसकी पट्टी हटा के देखी तो सर भैया उसमें टाँके पक गए थे, उसके 3-4 टाँके पक गए वहाँ पर। हमने बोला मैडम ये क्या हो गया, तो वो बोले कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा, हम आपको 12 नंबर में शिफ्ट कर दे रहे हैं। हमारे कागज़ वापस ले लिए उन्होंने और फिर हमारे लिए 12 नंबर लेके गए जी शिफ्ट करने के लिए। हम लोग 12 नंबर में पहुंचे, हमने देखा वहाँ पे कोई ना तो सफाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। हम लोगों ने कहा एक काम करो मैडम, हम प्राइवेट में ले जा रहे, हमें छुट्टी दे दो। उन्होंने हमें छुट्टी नहीं दी। हम लोग उनसे कम से कम 15-20 दिन से 10 दिन हो गए हमारे लिए छुट्टी मांगते। सोमवार को हमने उनसे अड़ी की, हमें मैडम छुट्टी चाहिए नहीं तो हम आपकी, मतलब 2-4 लड़के को लेके आए, तो वो हमसे धमकी दे दी उनने कि यहाँ पे कुछ करोगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, कि हम हमारी नर्सों को परेशान कर रहे हो या हमारी लेडीज जो नर्सें हैं उनके साथ में बदतमीजी कर रहे हो। हम फिर भी हम चलो ठीक है, हमने अपनी मम्मी को पहुँचाया, उनने मम्मी को हमारे डराया धमकाया, बाहर ले जाओगे मर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और वो एकदम स्वस्थ थी भैया बिल्कुल, आज सुबह कल सुबह की बात है, कल उठी वो, उठ के फ्रेश होने गई, शीला मैडम आई और सीधा उसको फिर ऐसे बच्ची को दूध पिलाई थी। वो बैठे बैठे वो मैडम आई, उन्होंने बोला इंजेक्शन दे दो इनके लिए, ये वाला इंजेक्शन दे दो वो वाला इंजेक्शन दे दो। जैसे इंजेक्शन लगाया वो बच्ची हमारे हाथ में थी भैया, पता वो कहने लगी पकड़ो इसको पकड़ो एकदम से, वो हमारे सर में जलन हो रही है। हमने बच्ची को लिया एक हाथ से हम उसको पकड़े रहे बहुत देर तक। हमने आखिर हुआ क्या है बताओ तो, जलन उसका शरीर भैया पलंग पे से अपने आप 2-3 फीट ऊपर उठ रहा था। उसके बाद में हमारा दिमाग ख़राब हो गया, हमने कहने का, हमने इनको बुलाया नर्स लोग को, हमने मैडम देखो क्या हो गया, बोले इमरजेंसी में ले चलो इमरजेंसी में। भैया इमरजेंसी में ले जाते मालूम सुबह 10 बजे से भर्ती किया इमरजेंसी में, शाम को 7 बजे यह हमारे हाथों में दम तोड़ दिया उसने हमारे हाथों में, बिल्कुल गर्दन उसकी जीभ बाहर निकल आई थी और उसकी आँखें खुली रह गई, इतना मुँह खुला रह गया उसका। इन लोगों ने उसको ज़बरदस्ती में हमसे बोल रहा है कि अब एक काम करो हम नहीं कुछ कर पाएंगे, अब इसको ले जाओ तुम। ये हमसे खाली 3 पेपर पे साइन करवा रहे थे पोस्टक में, उसमें कुछ नहीं लिखा था, कह रहे हैं यहाँ पे साइन कर दो 3 जगह पे। हमने साइन नहीं किया, हमने ऐसे कैसे साइन कर दें, अच्छी खासी हमारी घरवाली अच्छी थी, एकदम से उसको ऐसे कैसे हो गया। इंजेक्शन लगाया और 5 मिनट बाद वो चकने लगी पलंग पे से। मैडम है वो शीला जैन करके हैं, यहाँ की जो प्रसूत का की हेड मैडम होंगी, अब हमें नहीं मालूम कौन है, मगर उन्हीं के अंदर में केस था, उन्हीं का आश्वासन हमारे साथ था कि भैया हम ठीक करके देंगे, आप बस थोड़ा सा सब्र पकड़ो, हम ठीक करके देंगे, आप बाहर मत ले जाओ, हमारी गारंटी है शनिवार को हम छुट्टी कर देंगे। आज हो गया सर शुक्रवार, कल हमारी छुट्टी ही होनी थी, मगर सर इन्हें मालूम उसको मार दिया। उसके बाद में बोल रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पर, हमने कहा देख, फिर हमें बाहर भगा दिया इन्हें, हम अपनी बच्ची को लेकर बाहर खड़े रहे वहाँ पर, फिर एकदम से ये कह रहे हैं कि तुम वेंटिलेटर, मतलब हमने अपने घर वालों को बताया, वो गुस्सा हुए तो ये वेंटिलेटर लगा दिया और पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वालों के सामने वेंटिलेटर पे लगा दिया उसके लिए, हमारे घर वालों के सामने मगर हम लोग को जाने नहीं दे रहे, ये बोल रहे हैं वेंटिलेटर पे। अब अपन जानते हैं वेंटिलेटर क्या होता है। हमारे यहाँ पे CM साहब सिर्फ इतना हो रहा है भैया, पूरी बात सुनो हमारी, हम लोग को 4 दिन से गुमराह किया जा रहा है केवल इसी चक्कर में। उसके बाद में वेंटिलेटर हमने 2-4 घर वालों को बुलाया, थोड़ा गुस्सा हुए उनके लिए, हमने चैनल गेट सर से खड़खड़ाया तो यहाँ के 120 लड़के हम लोग को मारा। मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों ने हम लोग को सर एक इतनी बेरहमी से मारा है, किसी के हाथ में कोई छुरा लेके आया, हमारे पास वीडियो है, ऊपर डंडे रखे हैं, ये BMC के लड़के पूरे ऊपर लड़के पूरे डंडे वंडे रखे हुए हैं, उसके बाद में भी कुछ नहीं है। अब हम लोग को बोल दिया कि वेंटिलेटर पे ठीक है, हम चलो ठीक है अगर वेंटिलेटर पे है तो हमें मरीज से मिलने दिया जाता, हमारी केवल इतनी मांग थी, अगर मरीज़ हमारा सही है तो हमें भाई बताओ कि वो सही है। अब हमसे बोल रहे हैं हम नहीं दी उनने हमारे लिए ना जाने दिया, अभी रात में बोल रहे 11 बजे ख़त्म, फिर भी नहीं बोला। अभी हम गए थे डीन के पास में, यहाँ पे ये सागर के डीन है जो BMC के, हम उनके पास में गए थे उनसे बात करने के, हमने सर हमारी पेशेंट का केस क्या है,
रात में इतनी बातचीत हुई, आपके लड़कों ने मार दिया, फिर भी हमें कोई मतलब नहीं है, आप हमारे पेशेंट का केस बता दो। बोले बेटा ठीक है, कोई टेंशन नहीं लो आप, बिल्कुल ठीक है। और वो करा हम बोल ले रहे हैं, इसमें क्या बताया तो? उनने ये बताया कि वो ठीक है, हमारे साथ में हमारे मामा जी गए, उनके सामने बात हुई कि जैसी भी वो कल हम निष्पक्ष आदमी हैं, हमें उससे हमारे बच्चे हैं, हमने ठीक है। मगर वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया कि एकदम से 40 पुलिस वाले हमारी घरवाली को वहाँ पे पीएम कराने ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम में। अगर सर सही है तो पीएम काया का वेंटिलेटर पे जब उसकी सांस चल रही है तो पीएम से क्या लौट के आ जाएगी हमारी सांस, उसके अंदर प्राण आ जाएंगे पीएम करने से। एक साइड आपका डीएम बोल रहा है कि सही है और एक साइड आप उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हो। हमें ये भर बता दो आखिर है क्या, हमारा मरीज हमें दे दो, हम ले जाएँ। आखिरी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, हमें तो केवल इतना चाहिए, हमारी 15 दिन की बच्ची हम करेंगे क्या आखिर। आप उसको यहाँ से सब आपका पूरा पुलिस प्रशासन आपका पूरा मेडिकल स्टाफ आपका, हम लोग को पुलिस वाले बचा नहीं रहे हैं, वो 150-150 लड़के हम लोग को मारने आ रहे हैं मेडिकल वाले, फिर भी हम लोग को ये भी नहीं है कि बचाया जाए। हम लोग को बहुत मार दिया, उसके बाद में पुलिस अपनी थोड़ी मोटी कार्रवाई करके उनको भगा दे रही है। अब क्या चाह रहे हैं? अब हम ये चाह रहे हैं हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, अच्छी हम लोग को केवल न्याय चाहिए, बस बस न्याय चाहिए भैया, न्याय और कुछ नहीं चाहिए हमें, न्याय चाहिए हमें, ना पैसे चाहिए किसी के, ना धन दौलत चाहिए हमारे। अगर हमारे केस में जो मैडम हमारी देख रही थी उनकी गलती है तो उनको उनके ऊपर कार्रवाई हो, और यहाँ के डीन के ऊपर कार्रवाई, हमें कार्रवाई चाहिए। जो लास्ट बात, हमें सीएम सर यहाँ चाहिए, आज हमारी गई कल और किसी की जाएगी, ये विकास है, ये विकास है, आप ये बताएं। इसलिए सीएम सर को यहाँ बुलाया जाए, सीएम सर की वजह यहाँ आए हैं हम लोग, उनको ये लग रहा कि हम लोग उनके सामने ना ले जाए बॉडी को, इसलिए उन्हें आज तक नहीं दिए, कल शाम को दे रहे थे नहीं तो वो ठीक है। गलती पूरी पुलिस वालों की है और ये मेडिकल वालों की है, सीएम के वजह से नहीं दे रहे कि हम लोग उनके सामने हल्ला ना करें, और अब हमें सीएम सर यही चाहिए क्योंकि हम उनको बता रहे कि ये विकास है तुम्हारे यहाँ का, ठीक है। आज एक मर रहा, कल और मर रहे हैं, बहुत धराशायी हो रही है, पैसे मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका वो करो नॉर्मल।